फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम इंडियन मॉम। फ्रेंड्स, आज मैं ब्लीच करने वाली हूँ। ऑल नेचुरल ब्लीच है और ब्लीच मैं काफ़ी कम करती हूँ। मैं बहुत रेगुलर ब्लीच यूज़ नहीं करती हूँ। मैं 2 से 3 महीने में ब्लीच लगाती हूँ और कभी होता है कि मैं दूसरी मार्केट वाली ब्लीच यूज़ करती हूँ, जिसमें मैंने VLCC का, जैसे पहले भी एक रिव्यू दिया था मैंने VLCC की ब्लीच का, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी, या ऑक्सी ब्लीच भी कर लेती हूँ, बट बहुत ही रेयर, 3 मंथ्स में एक बार। तो अभी ये नेचुरल ब्लीच है जो मैं ये कर लेती हूँ मंथ में। तो मैं आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके की ब्लीच है। इसमें सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स की आपको ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा इसके लिए चाहिए नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो फ्रेंड्स, इस ब्लीच को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैंने ये लिया है, चावल का आटा, ये 2 यही छोटे चम्मच जो हैं ये मैंने ले लिए हैं, टीस्पून। और इसके बाद मैं इसमें मिक्स करूँगी बेकिंग सोडा, ये थोड़ा सा, आधा चम्मच ये बेकिंग सोडा डालूंगी। उसके बाद ये आधा नींबू है जो उसका मैंने रस ले लिया है, वो मैं इसके अंदर मिक्स करूंगी, और थोड़ी सी हल्दी। अभी मैं आपको बताऊंगी ये सब चीज़ें मैंने क्यों डाली हैं। जो चावल का आटा होता है वो वैसे भी हमारे फेशियल हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उन्हें रिमूव करने के लिए। और हल्दी जो है हमारे सन टैन को कम करता है। ये आप देखेंगे इस पे बबल्स आ गए। इसको अच्छी तरह मिक्सचर को मिक्स कर लेना है और फेस पे अप्लाई करना है। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, बिल्कुल घर का ब्लीच है ये। तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ इसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अब मैं आपको फटाफट से ये करके दिखा देती हूँ कि अभी कैसे आपने करना है। आपने इस तरीके से इसको लेना है और अपने फेस के अपवर्ड डायरेक्शन में इसको लगाना शुरू कर देना है। Let's creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. अब मैं ये ब्लीच कर चुकी हूँ और मैंने वॉश कर लिया अपना फेस। और आप ये ब्लीच जो है आप मंथ में 2 से 3 टाइम्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी हार्श इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, और ऑल नेचुरल है।
और बाकी की जो मार्केट्स की आती हैं ब्लीच, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत आपकी ये एकदम से तो लाइटन नहीं करेगी आपकी स्किन को, बट अगर आप वीक में एक से दो बार यूज़ कर रहे हैं या मंथ में दो से तीन बार यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी जो स्किन है वो लाइटन होना शुरू हो जाएगी वो, और जो आपके हेयर्स हैं वो ब्लीच होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बार में तो एकदम से मिराकल नहीं करता है कोई भी नेचुरल जो रेमेडी होती है, बट वो आगे चल के ज़रूर असर करती है दो से तीन बार में। तो थोड़ा सा पेशेंस इस चीज़ के लिए ज़रूर रखना होता है, क्योंकि अगर आपको कहीं पर शादी या पार्टी में जाना है और आपको एकदम इंस्टेंट रेडी होना है और इंस्टेंट आपको चाहिए, तो उसके लिए आप मार्केट वाली ब्लीच ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप घर पर हैं तो आप दो से तीन बार ये यूज़ करें और फिर इसका ज़रूर इफ़ेक्ट देखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से फिर से मिलती हूँ।